अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपके बाकी यूनिट्स तो अच्छे हो गए होंगे। और अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपना शेयर P3 में भी डाल दूँ, उस इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो P3 जो है, कुछ लोग तो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि क्वेश्चन इस स्ट्रीम किस तरह से होनी है। तो एज यूजुअल यू नो देर आर 10 क्वेश्चंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को, वो ये है कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए, P3 के लिए अपने आप को, उनको ये चीज़ अपने सामने रखनी चाहिए कि ईच एंड एवरी थिंग जो क्वेश्चन के अंदर है, हर एक एक वर्ड के ऊपर गौर करें, एक एक वर्ड के ऊपर गौर करें। एक्चुअली जब एग्जामिनर आपको असेस कर रहा होता है, आपकी ग्रेडिंग कर रहा होता है, तो वो ये भी उसे अंदाज़ा होता है कि आप ए लेवल कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं मैथ के, आप कोई हाई प्रोफाइल मैथ के मैथमेटिशियन नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो आपसे वो मैथमेटिक्स जो है वो डिमांड नहीं कर रहा होता। एक्चुअल उसकी इंस्ट्रक्शन जो होती है, जो इंटेंशन होती है, कि क्या जो चीज़ मैं दे रहा हूँ इसको, क्या जो मैंने पूछा है इसको, क्या उसको ये रेस्पोंड कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या इसके पास जितना भी मैटर है मेंटली, क्या इसने वो याद करके आया हुआ है, मेमोरी बेस्ड है, क्या जो घर से इसने प्रिपेयर किया था वही डिलीवर कर रहा है, या जो मैं पूछ रहा हूँ उसको रेस्पोंड कर रहा है। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इस तरह होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा हो आप उसको रेस्पोंड करें। तो इसके लिए यही होता है कि आप हर क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड कर गए तो होपफुली आप सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाता है। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली 10 क्वेश्चंस होते हैं, और 10 क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट और सेकेंड थर्ड ये आपस में लिंक्ड होते हैं। हैंस और अदरवाइज का वो जब वर्ड यूज़ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो ऊपर वाले पार्ट्स किए हुए हैं उन्हीं के रिजल्ट्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपके पास एक चेन बन जाती है, एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया उसी का रिजल्ट आपने दूसरे पार्ट में, और दूसरे पार्ट का रिजल्ट जो है वो तीसरे पार्ट में, यूजुअल ऐसे होता है। इसलिए कोशिश करें कि क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करें। तो इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को आपने सामने रखना है और होपफुली आपका जो है पेपर ये अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ, ये मेरे पास पेपर है 9709 P3 है ये। तो इसमें मैं आपको, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं ये आपको सिर्फ एक आइडिया के तौर पे दे रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी आपके पास टाइम है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे 4x + 3, और उसके बाद है x। अब ये एब्सोल्यूट फंक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब बड़ा अच्छा तरीका तो ये है कि इसको आप प्लॉट करके, इसको स्केच करके करें, लेकिन यूजुअल स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ है कि दोनों तरफ स्क्वेयर करते हैं, और स्क्वेयर के बाद एंड ऑफ द, जब एंड पे पॉइंट तक जो आंसर आ रहा होता है उसका आंसर दे देते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपना वे चेंज करें या जो आपने सीखा हुआ है उसको चेंज करें, लेकिन फिर मैं इसमें सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि समटाइम इनइक्वालिटीज़ में जब एब्सोल्यूट फंक्शन आ रहा होता है तो आपने ये करना है कि जो भी आपका एंड पे आंसर आ रहा होगा उसको आपने वेरीफाई ज़रूर करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो, एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इनइक्वालिटी का आंसर देते हो, इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा सेट ऑफ वैल्यूज आता है, यानी उसके अंदर इनइक्वालिटी होनी चाहिए, आप एक्स जो होगा लेस देन या ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन को आपने लास्ट पे लाजमी वेरीफाई करना, और ये मिस्टेक होती है एक चीज। उसके बाद बेटा अब क्वेश्चन टू है मेरे पास, क्वेश्चन टू में क्या करना, क्वेश्चन टू में उसने कहा है कि tan 2x = 5
कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होती है या फंक्शन होता है जिसमें आपने देखा कि एंगल्स वगैरह दिए हुए, तो सबसे पहले आपने उसको यूनिफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूनिफॉर्म फॉर्म के थ्रू आउट जो आपके एंगल्स हैं क्वेश्चंस में वो एक ही फॉर्म में होना चाहिए, एक ही एंगल थ्रू आउट नजर आना चाहिए। जैसे कि इधर 2x आ रहा है तो इधर x आ रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो 2x को x में कन्वर्ट करना होगा। जब आपके पास एंगल सेम हो जाएगा, एंगल सेम करने के बाद फिर आपको थ्रू आउट इक्वेशन में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। यानी यूनिफॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें थ्रू आउट एक ही एंगल हो और एक ही रेशियो। तो जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को यूनिफॉर्म फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपके लिए उसको उसका सोल्यूशन बनाना फाइंड करना बड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में करने के बाद वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में चले जाएगी। तो जिस तरह फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं या क्यूबिक की इक्वेशन करते हैं, उस तरह आप उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि सॉल्व एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये था कि इसमें आप सबसे पहले एंगल सेम करने इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज़ है। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन 3 था, मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिए। क्वेश्चन 2 ये था कि ln 1y + 1 - ln y और 1 + 3 ln x। तो बेटा जिस तरह मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा था, सेम इसी तरह ही आपको लॉग में रहना पड़ेगा, क्योंकि सारी इक्वेशन को लॉग में ले हैं। तो आपको पता है ना कि यूजुअली ln e जो होता है वो 1 होता है। तो आपके पास आप इस 1 को ln e की फॉर्म में ln e रिप्लेस कर दें, या आप ये वाली फॉर्म जो है इधर ले आए, उसके बाद आप फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln y प्लस 1 ओवर y, और फिर इस तरह ये आपके पास जो फॉर्म थी बन रही थी ln e और उसके बाद ln x 3 और इस तरह ex cube। अब जब दोनों इस फॉर्म में आएंगे तब आप ln काट सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं काट सकते हैं। इस तरह आपके पास ये चीज़ जो है इक्वेशन बनेगी y और x की टर्म्स में, y प्लस 1 ओवर y और ex क्यूब। उसके बाद जिसको वो सब्जेक्ट कह रहा होगा आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर x की फॉर्म में कह रहा है तो x की फॉर्म में दे दीजिएगा, अगर y कह रहा है तो y। वही मेरा एक ही क्वेश्चन कि आपने उसका जो क्वेश्चन है वो लाजमी पढ़ना है, उसकी लैंग्वेज में ही उसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। अगर उसकी लैंग्वेज में आप उसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे इंटरेस्ट भी होगा और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी अपने फॉर्म को बना लेगा। उसके बाद अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्री का वो यूजुअली दे देता है कि इस तरह की फॉर्म से इसमें कॉस एक्स भी आ रहा है और साइन एक्स भी आ रहा है, तो वो कहता है कि आर कॉस में कन्वर्ट करें या कभी साइन में कह देता है। तो इसी वे आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप इसको इसके बराबर करके और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज निकाल लेते हो, ठीक है ना। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक कि आपको ये आता होगा, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आर पॉजिटिव होता है, एक ही वैल्यू लेनी हो, क्योंकि अदरवाइज आप स्क्वायर रूट वगैरह ले रहे हो तो नेगेटिव भी आ रहा होता है, लेकिन उसके क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया होता है कि आर इज पॉजिटिव और अल्फा सिर्फ बेसिक एंगल है ना, यानी वो भी 90 से छोटा, यानी क्यूब एंगल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। जब आप इसके सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो उसने लिखा होगा हेंस और अदरवाइज। अब हेंस और अदरवाइज का मतलब यही होगा आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल वही चीज़ नज़र आ रही होगी ये वाली। तो मैंने कहा जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो या इंटीग्रेशन करते हो तो आपने ये देखना है कि उसको यूनिफॉर्म फॉर्म में लेके आना है। आपको डायरेक्टली ये चाहिए कि बजाय इसके आप सारा दोबारा सोच में पड़ जाए, आप ये चीज़
आपने प्रूव की कि इसके बराबर है, तो ये चीज इसके बराबर आप लिखें। जब आप इसके बराबर लिखेंगे, आप मैं सिर्फ एक आइडिया के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ बन जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा टाइप, ठीक है बेटा। तो अच्छा, उसके बाद आपको ये पता है कि आर स्क्वायर तो कॉमन हो के बाहर आ जाएगा वट एवर इट इज, लेकिन अंदर आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो आपको पता है ये वन ओवर कॉस स्क्वायर है, तो इस तरह ये वन ओवर आर स्क्वायर और ये सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और सेकेंड स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रल जो है टेन एक्स। जब टेन एक्स आ जाएगा तो आप वो उसकी वैल्यूज लेके आपने उसको फॉरवर्ड कर देना, होपफुली आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल का आता है, जिसको आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन लिखा पी एक्स, ये उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ था। अच्छा, पॉलिनोमियल में होता है कि उसने ऑलमोस्ट कोई एक आध लीनियर फैक्टर दिया होता है, एक आध लीनियर फैक्टर दिया होता है। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि आपने जब भी जो भी लीनियर यहाँ पे इक्वेशन दी होगी इस तरह के फॉर्म में, तो आप अगर उसको लीनियर फैक्टर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इस लीनियर फैक्टर को इज इक्वल टू जीरो करना है सबसे पहले आपने, तो उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये है, क्वेश्चन तो आपने काफ़ी प्रिपरेशन की होगी, सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा जो वैल्यू आपने उस लीनियर फैक्टर की जीरो करके निकाली होगी, अगर उसको उस एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो वो हमेशा से, यानी अगर मैं ये कहूँ कोई भी जनरल पॉलिनोमियल है और आपके पास एक्स माइनस ए फैक्टर है, तो आप जब भी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी आप पी ए कैलकुलेट करेंगे, तो पी ए का मतलब जो होता है ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। तो ये वाला जो आएगा ये बेसिकली रिमाइंडर होता है। अच्छा, अब अगर ये रिमाइंडर है लेकिन अगर वो खुद से हिमसेल्फ ये फैक्टर कह दे या डिविजिबल का वर्ड लिख दे, तो इसका मतलब ये होगा कि रिमाइंडर जो होगा वो जीरो के बराबर है, इसका रिमाइंडर जीरो के बराबर है। यानी जो भी आपने एक्स की सब्स्टिट्यूशन उस पॉलिनोमियल में डाली होगी, आपके पास एक आंसर आया होगा, और वो आंसर हो सकता है कि अननोन फॉर्म में हो, अननोन मीन ए बी सी की फॉर्म में हो, तो उस आंसर को आपने इज इक्वल टू जीरो करना है। अच्छा, अब अगर उसने डिविजिबल का नहीं वर्ड लिखा, रिमाइंडर का वर्ड लिखा है, तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिर आपने जीरो नहीं लिखना, इस जीरो की जगह जो आंसर उसने दिया होगा रिमाइंडर वो लिख दें। इस तरह आपके पास दो तीन इक्वेशन बन, दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे, होपफुली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन सेवन है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को देख के यूवी स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, तो ब्राय मेहरबानी पैनिक नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो हिमसेल्फ उसमें वो इंस्ट्रक्शन दी होती है उसने, इसको इस तरह से करें, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होता है। जैसे कि उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, और ये ए प्लस जोटा बी के बराबर है, और उसने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जी कॉम्प्लेक्स का इसका स्टैटिक का मतलब जो है इसका कंजुगेट है। तो बेटा उसने कहा हुआ है कि जी स्क्वेयर, सॉरी यानी जी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका स्क्वेयर करेंगे तो ये इसके बराबर आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना था, आप इसको करके देख लें पहले। जी आप जो ए प्लस यूटा बी है जो है इस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस यूटा बी है बेटा, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। जैसे अब एक उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था तो मैं आपको बता रहा था कि इसका मतलब है उसकी मैग्नीट्यूड, तो आपने मैग्नीट्यूड इसकी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद वो स्क्वेयर कह रहा था, स्क्वेयर यानी ये कंप्लीट इसकी मैग्नीट्यूड थी, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने ये जी स्टारी कैलकुलेट करना है तो आप इसी को इसके कंजुगेट से यानी ए प्लस योटा बी को ए माइनस योटा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे वो भी यही आंसर आ रहा होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से बेटा उसने कहा है कि जी माइनस के योटा के आई इज इक्वल टू
ये वाली चीज इसके बराबर होती है, ये उसने आपको हिंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर बेटा। अच्छा अब उसके बाद आपने जो है उसके बाद उसने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, z माइनस 10 आयोटा इज इक्वल टू 2z माइनस 4 आयोटा। अच्छा अब उसके बाद उसने आपको कहा हुआ है कि ये इक्वेशन आपने निकालनी है, खुद से निकालनी है। तो बेटा आपके पास जब ये दिया हुआ है तो ये वाले रिजल्ट जो आपने निकाले हैं तो ये अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी आप क्योंकि ये एब्सोल्यूट में दोनों तरफ का आप स्क्वेयर कर दें, z माइनस 10 आयोटा का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम z माइनस 4 आयोटा का स्क्वेयर कर दें। अब ये स्क्वेयर था तो स्क्वेयर का मतलब ये था कि ये इसके बराबर है, यानी आपने z माइनस 10 आयोटा और फिर z माइनस 10 आयोटा का स्क्वेयर कंजुगेट ले लिया, ठीक है। तो इनको अगर आप यही रूल आपने यहाँ पे लगाना है, z माइनस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा, और आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपके पास जो है, अब ये भी उसने बताया हुआ कि जब भी कोई चीज इस तरह की होगी आपके पास तो यानी z माइनस 4 आयोटा, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ कि ज्यादा पैनिक नहीं होना, z माइनस 4 आयोटा है ना तो इसके ऊपर स्टैटिक था, तो इस रूल के मुताबिक फिर ये क्या बनेगा, z ये चीज बन जाएगी और इधर माइनस है तो उधर आपने देखा कि तो प्लस आ रहा है तो ये 4 आयोटा बनेंगे। तो जैसे कि आप इसको खोलते रहे और फिर परेशान होते रहे, इस आंसर की जगह ये वाला आंसर लिखना और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास देखेंगे हिमसेल्फ ये क्वेश्चन इस ये वाला आ रहा होगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि अगर आपकी उसकी इंस्ट्रक्शंस को और जो उसने हिंट्स दिए हुए छोटे छोटे उनको सामने रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने सबसे पहले मेथड ऑफ सेपरेशन करना है। मेथड ऑफ सेपरेशन का मतलब ये होता है कि दो तरह के उसने वेरिएबल दिए हुए हैं, तो एक तरफ का वेरिएबल, एक तरफ के वेरिएबल और डेरिवेटिव एक तरफ और दूसरी तरफ के वेरिएबल्स और डेरिवेटिव दूसरी साइड पे करके तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी प्रोसेस है तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें डी बाई डी एक्स आ रहा होता है अगर आप उसको इंटीग्रेट करें तो वो डी बाई डी एक्स खत्म हो जाता है, और सोल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आपने बेसिकली उसमें डेरिवेटिव्स खत्म करने होते हैं, इतनी सी बात है इसमें। तो या समटाइम वो चेंजेस की बात कर देता है, अच्छा कि पानी वाटर इतना आ रहा है इतना जा रहा है, आपने देखें जब भी इक्वेशन बनानी है तो उसमें नेट आपने फ्लो जो है इन माइनस आउट के बाद जो चेंज आती है उसका ख्याल रखना, होपफुली इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी जिस क्वेश्चन में भी वो मैक्सिमम की बात करे, मिनिमम की बात करे, स्टेशनरी पॉइंट की बात करे, तो आपको याद होना चाहिए मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम जो भी हो ये हमेशा डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव को आपको इज इक्वल टू जीरो करना है, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर वो एक्स की वैल्यू मांग रहा हो तो इससे ओके, अगर वो वाई की वैल्यू कह रहा हो या फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कह रहा हो तो फिर उस एक्स की वैल्यू को निकाल के जो डी वाई डी एक्स को जीरो करके आई थी उसको गिवन फंक्शन में या जो भी वो जिस वेरिएबल की कह रहा होगा उसमें लगा देंगे तो आपके पास हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपने वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन भी आपने ज़रा समझ के करना है, ठीक है। लाइन की क्वेश्चन कहेगा तो लाइन की क्वेश्चन, प्लेन की क्वेश्चन कहेगा तो प्लेन की क्वेश्चन, ओके सर। अच्छा अगर वेक्टर का क्वेश्चन आता है तो ये आपको पता है कि ये वेक्टर की इक्वेशन है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, वेयर a कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और b जो है डायरेक्शन रेशियो वेक्टर है। अच्छा लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, और ये प्लेन की इक्वेशन है और ये जो a b c हैं ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये भी वेक्टर फॉर्म है, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म इसको कहते हैं। अच्छा तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से आपने करना है समझ के, उसमें अगर वो दो लाइन के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हो, यानी कह रहा हो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
आपने क्या करना है कि दो इक्वेंट बना लें, तीन इक्वेंट यानी दोनों लाइन जो दी होंगी वो इक्वेट कर दें, तो आपके पास तीन लाइन बन जाएंगी और उनमें से कोई भी दो लाइंस आप दो इक्वेंट लेके तो आपने वो वैल्यूज निकाल ली होगी, एक लैम्डा में होगी और दूसरे को आप म्यू कह लें, बेशक म्यू और लैम्डा की टर्म्स में दो इक्वेंट होंगी और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने एक क्वेश्चन एक इक्वेंट छोड़ी होगी वो म्यू लैम्डा की, अगर उसमें डाल देंगे अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब है वो यूनिक सोल्यूशन है, वो एक इंटरसेक्शन हो रही है, अगर नहीं तो आप फिर कह सकते हैं कि वो स्क्यू लाइंस हैं। अच्छा, उसके बाद ये नॉर्मल वगैरह आपकी प्रैक्टिस होगी कि ये नॉर्मल फॉर्म है, जब ये दो लाइंस में वो एंगल्स की बात करेगा तो दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर्स होंगे उनका आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, अगर दो लेंस की इंटरसेक्शन कर रहा हो उनमें भी एंगल निकालने के लिए आपने एन वन टाइम एन टू और वही यही वाला फार्मूला, और इसी तरह से अगर लाइन और प्लेन की बात कर रहा होगा, अब मैं प्रूफ की तरफ तो नहीं जाऊंगा लेकिन ये आपने याद रखना है कि इस तरह से फिर आपके पास जो है कॉस थीटा की जाए आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा प्लेन और लाइन के लिए। तो ये भी अब तो प्लेन्स की अगर इंटरसेक्शन की बात करता है तो आप अपनी तरफ से कोई एक्स की वैल्यू या वाई की या जी की आपकी मर्जी है, एक को जीरो ले लें और दोनों प्लेन्स में वो पुट कर दें, आपके पास इस तरह एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और वाई जी में दो इक्वेशन आ जाएंगी, तो वाई जी की वैल्यू निकाल देंगे तो वो आपके पास एक, फिर इस तरह जिसको पहले आपने जीरो लिया हुआ था दोबारा उसको जीरो नहीं लेना, किसी और को जीरो लेना है, और ये भी ख्याल रखना है कि वो दूसरी दफा की जीरो ना आ रहा हो, अगर आ रहा हो तो कोई वन टू जो कोई भी यानी रैंडम पॉइंट ऑफ ले लीजिएगा, इस तरह आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, और जब आपके पास दो पॉइंट्स हों तो आप उनसे यही वाला फार्मूला लगा के पहले डायरेक्शन रेशियो वेक्टर निकाल लें, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर निकालने के बाद आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, याद रखना है दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन हमेशा लाइन होती है, इसलिए आपका आंसर जो है एंड ऑफ द डे दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन ये आना चाहिए। अब ये तो थी मोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं डिटेल में मैंने किया, तो लेकिन जो सारा मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि आपने पेपर को समझ के पढ़ के हर क्वेश्चन को कि वो क्या पूछ रहा है, रटल गा के नहीं घर से जाना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है, और आप तीन चार कोई भी तीन चार पेपर्स आप निकालें और सही तरह से एनालिसिस करके एक वर्ड के ऊपर गौर करें, सॉल्व पास्ट पेपर की तरह टाइम बैंक जाने की तरफ कोई जरूरत नहीं है और उससे आपको नुकसान होगा, खुद से क्वेश्चन देखें एनालिसिस करें, फिर अगर आपको सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है जरूर देखें सोल्यूशन कैसे और हाउ, क्योंकि मैथ जो है ना वो एक पैटर्न का नाम है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन होपफुली यू विल गेट ए स्टार, और बाकी रहा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, डोंट वरी, इंशाल्लाह आपने बड़ी एफर्ट की है और अल्लाह ने आपको कामयाबी से कामरानी से नवाजेंगे, और बेटर फ्यूचर के लिए मैं आपकी दुआ करूँ, इंशाल्लाह आपका ये स्टार होगा इंशाल्लाह ताला, और रिक्वेस्ट नहीं, इतना तो मेरा राइट बनता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।